तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा एक्सब्लेड 160 BS6 बाइक के डिजिटल मीटर में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर का जब ऑन होता है, यानी कि मीटर जब ऑन होता है, तब लुक कुछ इस तरह का आता है। जो कि दूर से अगर हम देखें तो डिजिटल मीटर का लुक जो है काफ़ी शानदार आता है, काफ़ी अट्रैक्टिव आता है। तो चलिए होंडा एक्सब्लेड 160 में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर आपको इसमें मिल जाता है RPM मीटर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं RPM मीटर इसमें आपको मिल जाता है। सेकंड आपको जो है इसमें डिजिटल क्लॉक मिलता है, यानी कि आप इसमें टाइम देख सकते हैं। और इसमें जो है टाइम देखने से काफ़ी हमारा जो है टाइम बच जाता है, हमें मोबाइल वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो काफ़ी हेल्पफुल ये फीचर है। और अगर आपको टाइम सेट करना नहीं आता तो आपको करना ये होगा कि आपको दोनों ही जो बटन है उनको जो है वह लगभग 5-6 सेकंड के आसपास प्रेस करके रखना है दोनों को एक साथ। और उसके बाद जो है आपको हावर्स में टाइम सेट करने के लिए लेफ्ट वाला बटन प्रेस कर लेना है, और जैसे हावर सेट हो जाए तो उसको जो है राइट वाले पे एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद फिर से वही लेफ्ट वाले को क्लिक करके मिनट सेट कर लेना, और राइट वाले को क्लिक करके टाइम आपका सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका टाइम सेट होता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है इस फीचर की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन ये काफ़ी काम का फीचर है। इससे जो है हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हमें मोबाइल वगैरह निकाल कर अलग से टाइम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक नज़र जो है डिजिटल मीटर के ऊपर हम डाल दें तो हमें टाइम पता चल जाता है। और इस बाइक के डिजिटल मीटर में जो भी फीचर्स मिल रहे हैं उनको दिन में रात में पढ़ना काफ़ी आसान है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें जो है नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करें तो वो है गियर पोजीशन इंडिकेटर, यानी कि जब हम बाइक राइड कर रहे होते हैं तब हमें इसमें पता चल जाता है कि हमारी बाइक अभी कौन से गियर में चल रही है। तो इससे जो है काफ़ी हेल्प हो जाती है, पर्सनली मुझे तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और इसके डिजिटल मीटर में आपको जो है न्यूट्रल लाइट भी देखने को मिलेगा, साथ ही आपको जो है हाई बीम लाइट भी देखने को मिलेगा, जो कि लगभग हर बाइक में मिलता है डिजिटल हो या एनालॉग। तो आपको इसमें भी ये मिल जाएगा हाई बीम लाइट, जब भी आप हाई बीम ऑन करोगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। और उसके बाद जो है दोनों साइड के इंडिकेटर का जो लाइट है वो भी आपको मीटर में दिख जाएगा। इसके बारे में जो है ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। और उसके बाद जो एक फीचर है बहुत ही काम का है, यानी कि आपको इसमें पता चलेगा जब आप बाइक राइड कर रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि अभी जो बाइक चल रही है वो कौन से स्पीड में चल रही है, कितने स्पीड में चल रही है। वैसे तो ये एनालॉग मीटर में भी होता है, लेकिन डिजिटल मीटर में जो है हमें करेक्ट जो स्पीड होती है वो पता चल जाती है। इसके बाद का फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है ओडोमीटर, यानी कि आपकी बाइक अभी तक कितना किलोमीटर चली है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ट्रिप ए ट्रिप बी, जिसको आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है तो आप ट्रिप ए या फिर ट्रिप बी को ज़ीरो कर देना, आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितना किलोमीटर जो है जाकर आए। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल फीचर है। और उसके बाद मीटर में आप जो है फ्यूल भी देख सकते हैं, यानी कि आपके बाइक में अभी कितना पेट्रोल बचा है। और जब भी मीटर में पेट्रोल वाली लास्ट लाइन ब्लिंक करने लग जाए तो समझ लेना कि आपको जल्दी अपने बाइक में पेट्रोल डालने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है मीटर में आपको ABS लाइट भी मिल जाता है, और उसके बाद सर्विसिंग का साइन यानी कि सर्विस रिमाइंडर भी इस बाइक के डिजिटल मीटर में आपको मिल जाता है, जो कि हमें बताता है कि हमें अभी अपने बाइक की सर्विसिंग करने की ज़रूरत है। वैसे कभी कभी ये जो है सर्विसिंग करने के बाद भी ऑन हो जाता है, तो उसको भी जो है आप रिसेट कर सकते हैं। और मीटर के साइड में जो दो बटन मिल जाते हैं उससे आप सेट रिसेट वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद इस बाइक के मीटर में आपको देखने को मिलेगा इंजन माल फंक्शन लाइट, जो कि अगर आप बाइक राइड करते टाइम भी ऑन रह जाता है और कभी बंद ही नहीं होता तो आप समझ लेना कि आपकी बाइक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और 2022 में इसमें एक और नया फीचर ऐड हो चुका है, वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर का लाइट, वो भी आपको इस बाइक के डिजिटल मीटर में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इतने फीचर मिलते हैं इस बाइक के डिजिटल मीटर में। तो उम्मीद है मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आ गई होगी क्लियरली। तो कमेंट करके आप ये ज़रूर बताना कि आपको इनमें से जो है कौन सा फीचर अच्छा लगा, कौन सा आपको पसंद आया, कौन सा आपको ऐसा लगता है कि इस बाइक में ऐड होना चाहिए। साथ ही बाइक से रिलेटेड आपका जो भी एक्सपीरियंस है, सही गलत जो भी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर उसको इस वीडियो से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है तो। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो और आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो जल्द मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।